हेलो दोस्तों, कौए और काले रंग एक तरह से एक दूसरे के पर्याय माने गए हैं, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कौआ हमेशा से काला नहीं था। जी हाँ, ये बात सच है और कई बार सफ़ेद रंग के कौए देखे भी गए हैं। इसके पीछे पक्षी वैज्ञानिकों ने कारण भी बताए हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों की नज़र से देखें तो इसके पीछे की वजह कौए को मिला एक श्राप है। पितृपक्ष के 15 दिनों को छोड़ दें तो साल के बाकी समय में कौए को आमतौर पर अशुभ ही माना जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और ज्योतिषी कारण है। यदि कौए को काले रंग होने का श्राप मिलने की बात करें तो पौराणिक कथा के मुताबिक कौआ सफ़ेद ही होता था। एक बार एक ऋषि ने सफ़ेद कौए को अमृत ढूंढ कर लाने के लिए भेजा, साथ ही ताकीद की कि वह गलती से भी अमृत पान न करे। ऋषि के आदेश से कई साल तक कौआ अमृत खोजता रहा और जैसे ही उसे अमृत मिला वह खुद को अमृत चखने से रोक नहीं सका। इसके बाद बाकी अमृत लेकर वह ऋषि के पास पहुंचा। अमृत लेकर ऋषि के पास पहुंचे कौए ने अमृत चखने की बात ऋषि को बता दी, लेकिन वे यह सुनते ही नाराज हो गए और उसे अशुभ होने का श्राप दे दिया। उन्होंने उस पर काले कमंडल का पानी छिड़कते हुए कहा कि अब से लोग कौए से घृणा करेंगे और उसे अशुभ मानेंगे। बस कमंडल का पानी पड़ते ही कौआ काला पड़ गया और तब से ही वह अशुभ भी माना जाने लगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं इस चैनल को आपके लिए और बेहतर कर सकूं। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।